और आर तीन जेम दो जेम एक के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं। पी पी क्यू आर तीन जेम दो जेम एक। वे पूंजी खाता स्थिर पद्धति से रखते हैं, मतलब पूंजी खाते में क्या लिखना है? स्थिर पूंजी खाता स्थिर पद्धति से मतलब उसका शेष आगे ले गए और शेष आगे लाए वो दोनों सेम रहेगा। मतलब जो भी डिफरेंसेस हम चेंजेस करेंगे, जो भी हम चेंजेस करेंगे वहाँ पे कहाँ पे करना है? जब पूंजी खाता स्थिर हो तो चालू खाते में करना है। उन्होंने एस को नए साझेदार के रूप में पेड़ी में प्रवेश दिया। एस नया आया है तो उसके पहले तो उसका कोई प्रमाण नहीं था, तो तीन चार पाँच और एक छः बट्टे छः उसका बाग टोटल हो जाएगा। तो उसके बट्टे में छः रख देता हूँ, सबके डिनोमिनेटर में छः रख देता हूँ। एस पूंजी और ख्याति पेटे रोकड़ 50,000, फर्नीचर 40,000 और मोटर कार 60,000 पेड़ी में लाता है। पूंजी और ख्याति पेटे मतलब दोनों का मिला के कितना ला रहा है? रोकड़ 50,000 ला रहा है, 50,000 खाली 50,000 नहीं, रोकड़ 50,000 ला रहा है, फर्नीचर 40,000 का ला रहा है और मोटर कार 60,000 का ला रहा है। कुल मिला के कितना हुआ? 150,000। पेड़ी की ख्याति का मूल्यांकन 240,000 किया गया तो ख्याति का मूल्यांकन कितना हुआ? 240,000 हुआ। मतलब 6/6 बराबर 240,000 लिख दे। और एस के प्रवेश के समय पुरानी पेड़ी के वही में ख्याति 90,000 है, उसको तो अपलिखित कर देंगे। सभी साझेदार पूरे भविष्य में 4 / 3 / 2 / 3 के प्रमाण में लाभानी बांटेंगे। पुराने साझेदार उन्हें प्राप्त ख्याति में से 50% ख्याति रोकड़ में निकाल लेंगे। बहुत बढ़िया बात होती है। तो पहले तो इन सब का टोटल कर देते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये हो गया 12/12, या फिर उसको लिख सकते हैं 240,000। अगर हम संख्या का उपयोग करके करना चाहे तो भी हो सकता है। तो यहाँ पे पहले तो मैं 12/3/12, 2/12, 3/12, 2/12 वही लिख देता हूँ। और इन सबको भी मैं 12 बनाने के लिए 2 से गुणा कर देता हूँ। 3 × 6/12, 2 × 4/12, 1 × 2/12, ओके। तो यहाँ पे अनुपात की बात करें तो 6/12 में से 4/12 जाएगा नया प्रमाण, पुराने में से माइनस करेंगे तो 6 में से 4 गया तो 2/12 बच गया। पुराना प्रमाण जमा होता है, नया प्रमाण उधार होता है। ओके, चलो 4 में से 3 गया तो 1/12 बच गया। 2/12 में से 2/12 गया मतलब ये कोई त्याग नहीं कर रहा है, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये 3/12 का उसको लाभ मिलेगा। तो ये हो गया प्रमाण। तो यहाँ पे 240,000 को वैसे हम देखा जाए तो ऐसे करेंगे तो काम हो जाएगा। 240,000 को 2/12 से गुणा करो, कितनी संख्या मिलेगी? 4,000, 40,000 और 20,000। और इसी तरह 240,000 को 3/12 से गुणा करो तो उसका लाभ मिल जाएगा। और ये 40,000 और 20,000 का प्लस करोगे तो भी 60,000 मिल जाएगा, जो कि उसका लाभ है। अगर ऐसा संख्या का ही उपयोग करे, पहले से ही ख्याति के मूल्यांकन का उपयोग करे, तो ख्याति के मूल्यांकन को 3/2/1 में बांट दो तो कितना आएगा? 1,20,000, फिर 80,000 और 40,000। स्लो है।
तो 40,000। इसी तरह 2,40,000 को 4 जन 3 जन 2 जन 3 में बांटो तो यहाँ पे आएगा 48,000। तो 2,40,000 को 4/12 मतलब 2 20 चौक 48, नहीं 80,000 आएगा ना यहाँ पे, यहाँ पे 80,000 आएगा, 20 80,000 20 तिया 60,000, 20 दूनी 40,000, 20 तिया 60,000। देखो ये सब का टोटल भी हो गया। अभी पुराने में से हम नया माइनस करेंगे, तो 1,20,000 में से 80,000 गया तो 40,000 आ गया, 80,000 में से 60,000 गया तो 20,000 आ गया, 40 में से 40 गया तो ये कोई त्याग नहीं कर रहा है, ये त्याग का प्रमाण है ना, तो भी वही आंसर आया। लेकिन अभी जमा उधार की बात करें तो पुराना जमा है नया उधार है, जब पुराने और नए में कौन सा बड़ा दिख रहा है आपको, तो ये पुराना बड़ा है, इस अनुपात में भी देखो तो पुराना पुराना बड़ा है, तो ये जमा कर देंगे, और इसमें भी पुराना है तो ये जमा कर देंगे, और इसको उधार कर देंगे, है ना। तो अभी इसमें क्या कौन सी समायोजन लिखनी पड़ेगी और कैसे लिखेंगे। पहली बात तो हमें पुरानी चीज़ों को क्या करना है, पुरानी चीज़ों को हटा देना है, मतलब पुरानी चीज़ कौन सी है उसमें ख्याति है, तो ख्याति को हम अपलिखित कर देंगे 90,000 की। लेकिन अपलिखित करना है, यहाँ पे बोला स्थिर पूंजी खाते की पद्धति, इसलिए हमें चालू खाते में एंट्री देना है पुरानी चीज़ों की, है ना। तो 90,000 को चालू खाते में एंट्री देंगे, और लेकिन पुराना साझेदार कौन है, 3 जम 2 जम 1 है पी क्यू आर का, तो उसको 3 जम 2 जम 1 में बांट देंगे। 90,000 को कितना होगा, 90,000 को 3 जम 2 जम 1 में बांटेंगे तो ख्याति जो है वो उधार से होता है, क्योंकि वो संपत्ति है ना, और वो नुकसान होता है, इसलिए वो पूंजी खाता उधार करेंगे, क्योंकि मालिक को नुकसान होने वाला है तो उसके खाते उधार करेंगे। पैंतालीस हजार 30,000 और 15,000, तो पी के चालू खाते, पूंजी खाते नहीं लिखेंगे, चालू खाते लिखेंगे, उधार 45,000, क्यू के चालू खाते 30,000 और 15,000, आर के चालू खाते 15,000। कहाँ पे लिखेंगे, ख्याति खाली, पुरानी ख्याति है तो खाली ख्याति खाते लिखेंगे, कितना 90,000। अब क्या बोला है, अब क्या है कि नया जो साझेदार है वो पूंजी के रूप में कुछ लाता है और रोकड़ ख्याति के रूप में कुछ लाता है ना, तो दोनों एंट्री हमें साथ में करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें ख्याति के रूप में उसको कितना लाना है, नए साझेदार को कितना लाना पड़ेगा, 60,000 लाना पड़ेगा, और यहाँ पे लिखा है पूंजी और ख्याति पेटे रोकड़ 50,000, फर्नीचर 40,000 और मोटर कार 60,000। अभी क्या हो सकता है, ये तीन चीज धंधे में ला रहे हैं, तो मोटर कार 60,000 की है तो क्या उसको ख्याति स्वरूप में लिख दे, हाँ तो यही तो मैं सोच रहा हूँ, तो उसको मिक्स करके लिखना पड़ेगा ना, ऐसा ही तो होगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे पूंजी खाते कितना लिखें, ख्याति प्रीमियम खाते 60,000 लिखेंगे, तो पूंजी खाते कितना लिखना पड़ेगा, कुल 1,50,000 आ रहा है ना, तो 90,000 ख्याति प्रीमियम रोक पूंजी खाते, मतलब ये चीज़ पूंजी खाते में जाएगी, ये चालू खाते में नहीं जाएंगी, क्योंकि वो पूंजी है, क्लियर है ना। तो क्या होगा, यहाँ पे ओम एस पूंजी खाते तो जमा होगा ना, रोकड़ खा अच्छा पूंजी खाते जमा होगा, तो एस के पूंजी खाते 90,000, फिर ख्याति प्रीमियम खाते 60,000। अभी उधार क्या करेंगे, ये तीनों चीज़ उधार कर देंगे,
ये तीन चीज धंधे में आ रही है ना। तो क्या क्या आ रहा है? पहला रोकड़ खाता, 50,000। उसके बाद कुछ फर्नीचर जैसा आ रहा है, फर्नीचर खाता 40,000। उधार 40,000, और मोटर कार मोटरकार खाता 60,000। 60,000 हो गया। अभी ये ख्याति, ये देखो ये तो ठीक है, ये सब खाता हो गया। अभी ये ख्याति प्रीमियम खाता जो है वो तो टेम्पररी खाता है, उसको बंद करना पड़ेगा। तो ख्याति प्रीमियम खाता उधार कर दें, ख्याति प्रीमियम खाता उधार कितना? 60,000। अभी उसको जमा क्या करना पड़ेगा? तो जमा में दो साझेदार करने पड़ेंगे जो लाभ दे रहे हैं, त्याग कर रहे हैं। तो कौन से साझेदार हैं? पी पी और क्यू, 40,000 और क्यू 20,000। आया समझ में? पी के, लेकिन वो कहाँ लिखेंगे, पूंजी खाते में या चालू खाते में? चालू खाते में, क्योंकि स्थिर रखना है ना पूंजी खाते को। पी के चालू खाते 40,000, क्यू के चालू खाते 20,000। चलो पी और क्यू का वो हो गया। अभी उसमें लिखा था कि पी और क्यू अपना पैसा लेके जा रहे हैं, लेकिन कितना लेके जा रहे हैं वो प्रश्न में देखना पड़ेगा। वो 90,000 दर्शाता है। 50% रकम ख्याति रोकड़ में ले निकाल लेंगे, धंधे में से वो रोकड़ में 50% निकाल लेंगे। लेकिन उसके खाते में कितना? 40,000 और 20,000 है ना, उसका 50% निकाल लेंगे। देखो अभी उसके खाते में ख्याति के रूप में 40,000 और 20,000 है, तो उसका 50% मतलब 20,000 और 10,000 वो रोकड़ा उठा लेंगे। तो पी के चालू खाते क्या हो जाएगा? जमा है तो उधार हो जाएगा। उधार 20,000, 50% मतलब आधा। और क्यू के चालू खाते उधार 10,000, और वो क्या लिखेंगे? रोकड़ा उठा लेंगे, धंधे में से रोकड़ कम हो जाएगा। रोकड़ खाते जमा 30,000। ये हो गया सवाल पूरा।